guys, welcome back to my channel. So it's next day और हमारे इवन एक्चुअली नितिन का काम था, उसको स्पेशलाइजेशन चेंज करानी थी बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, सम सिली रीजन्स. लेकिन हम अभी हैं एवन ब्लॉक में और यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स आए हैं और स्टूडेंट्स हैं, इतना क्योस है. मतलब मुझे वो वाली टाइम याद आ रहा है जब हम बीटेक में एडमिशन ली थी न्यू. तूने भी ली थी ना, तो तेरा भी ऐसे था, तो भी यहाँ पे आई थी. मतलब हम दोनों क्लासमेट्स थे बीटेक में और फिर उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन चेंज हो गई बट नाउ वी आर इन सेम स्पेशलाइजेशन. कुलदीप को तो मेरे ब्लॉग्स में देखा ही है सभी ने बट या. और लेट मी शो यू. यस, फेमस पर्सनैलिटी. देखिए जी बिल्कुल मिलिए. मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ. लुक एट दिस. मैं तो, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का क्योंकि अंदर एसी लगे हुए हैं और बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. माय गॉड. सो गाइस, आज हम लाइफ में फर्स्ट टाइम ए वन ब्लॉक की कैंटीन आए हैं और हमें पता नहीं था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ सकते. वैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स अलाउड नहीं थे. मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं. लेट मी शो यू. और इतनी प्यारी कैंटीन है ना, एंड इंडियन से बहुत प्यारा है. लेट मी शो यू. सी, लुक एट द बेंचेस. और वहाँ पे नितिन है, वो ले रहा है कुछ या. सो गाइज, हमने अभी नोटिस करा है कि जिस बेंच में हम बैठे हैं दैट इज रिजर्व फॉर पेरेंट्स. ये बहुत बेकार है. This is still better. This is still better. Next morning. Hi guys, welcome back to my channel. So today is new day. आज मेरा third day I guess कॉलेज पे. मैं बीच में ज़्यादा vlog नहीं कर पाता हूँ. I don't know why. क्योंकि but अब मैं थोड़ा try करूँगा regular रहने की. And I have reached university. Let me show you. So this is the scenario. बहुत प्यारा वेदर हो रहा है. मतलब धूप भी है, नहीं भी है. एंड लेट मी शो यू वन थिंग. सी माय न्यू बॉटल. एज अ मास्टर स्टूडेंट हमारी क्लासेस फिर से बैचलर्स की तरह हो गई है, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग. बट या, वी हैव टू कोप अप विद दैट. एनओसी लेने एक्चुअली हम यहाँ पे अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आए हैं एंड वी हैव टेकन एनओसी. इसमें आपको 2000 रुपये मिलेंगे ये, क्योंकि हमारे बैचलर्स में जो सिक्योरिटी जाती है वो वापस आएगी अभी. सो ये हमें सबमिट कराना है अभी. पर मेरे को तो सी यू से ही मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स. एंड दिस इज सी यू का मैप. सी, सो दिस वन थिंग, जब भी हम सुबह सुबह आते हैं गेट नंबर 2 से तो गार्ड्स हमेशा रोक देते हैं फॉर आई डी कार्ड्स. बट उनको कौन बताए, क्योंकि हमारे मास्टर्स के आई डी कार्ड अभी तक आए नहीं हैं और जो आई डी कार्ड हैं वो बैचलर्स के हैं और बैचलर का आई डी कार्ड तो मैं अभी पहन नहीं सकता हूँ. सो लेकिन देर इज़ वन थिंग इन माइंड कि कोई इतना सुबह सुबह धूप में तैयार होकर किसी और के कॉलेज क्यों जाएगा यार. व्हाट द हेल, मतलब मैं क्यों आऊँगी सुबह सुबह. सो गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड माई क्लास एंड लेट मी शो यू. सो दिस इज माई क्लास और ये मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं. या मतलब क्लास तो क्या है, वैसे तो लैब है बट हमारी क्लास यहीं पे लगती हैं बिकॉज मास्टर्स में कम स्टूडेंट्स होते हैं. सो दैट्स वाई आज मैं लकीली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 5 मिनट पहले पहुँच गया हूँ क्लास में. सो या जल्दी अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है. सो मीट यू आफ्टर दैट. फाइनली अपना नो ड्यूज साइन कर दिया है. अभी बस इतने सिग्नेचर्स कराने हैं और बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी करनी पड़ेगी. सो या. सो गाइज, मैं आपको अपनी न्यू बॉटल दिखाना भूल गई और इसमें मैंने स्टिकर्स भी लगाए जिसमें से एक गिर गया पता नहीं कहाँ पे. एंड ये क्यूटी है ना मेरी न्यू बॉटल. बस इसको किसी की नज़र ना लग जाए जैसे मेरी पहली बॉटल को लग गई थी और टूट गई थी. बाय द वे, अभी मेरी क्लास है बट मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ. एक क्लास थी मेरी, वो ओवर हो गई. अभी एक और क्लास है. मैं सबको पानी भर के आ रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ और पानी तो मैंने भरा भी नहीं इसमें आता है. सो नाउ गोइंग, चल मैं जा रहा हूँ यार.
ओके बाय, इसकी तो क्लास है नहीं यार, मेरी क्लास है, सो आई शुड रादर गो. ओके बाय, नाउ आई विल मीट यू आफ्टर माय अनदर क्लास. सो गाइस फाइनली मेरी सारी क्लासेस ओवर हो गई हैं, बस एक रिसर्च वाली क्लास बचती है. अभी वॉशरूम आया हूँ, सारा सामान यहाँ पड़ा है. मीट को बोल रहा था जियो टेक में लेट गई. इसने कितना इग्नोर करा मेरे कैमरे को. उधर आपको कैसा फील हो रहा है मास्टर्स में आ गए? वैसे ही मेरा क्लासमेट है, था बैचलर्स में. सो गाइस क्लास इज ओवर और देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारी क्लास से. और ये पता नहीं किसी बीटेक स्टूडेंट की नोटबुक थी यहाँ पे, ये किसी बीटेक स्टूडेंट का था. एक सेकंड लेट मी शो यू. अब नाम वगैरह नहीं मेंशन करा है, राजकुमार जो भी है. तो आपके यहाँ पे पेन पड़े थे सर, वो मैंने चुरा लिए हैं. ऐसे बाहर पेन छोड़ के मत जाया करो, बहुत चोर बैठे हैं. हम चुराएंगे, हमसे रहा नहीं जाता पेन देखे. दो चार इसने चुराए हैं, दो चार मैंने चुराए, और यहाँ पे पेन पड़े थे, वहाँ पेन पड़े थे, सारे चुरा लिए. मैं दिखाता हूँ, वेट सी, ये सारे पेन मैंने चुराए हैं. ये पता नहीं किसके हैं, कोई देखना नहीं है, फटाफट चुरा लो. लेकिन कितना ईमानदार चोर हूँ, चोरी करने के बाद बताया भी मैंने, आगे से मत छोड़ के जाना ऐसे पेन, वरना चुरा रहे. हमने सबक सिखाने के लिए चुरा रहे हो, वैसे मेरा मन नहीं है. क्या पता जिसने जिसकी पेन हो वो भी ब्लॉग देख रहा हो. हाँ अच्छी बात है, तो सबक मिल गया आपको कि आगे से पेन नहीं छोड़ के जाते. ओके बाय बाय. सो गाइस अभी मैं A1 क्यों आए हैं, उसका रीज़न ये है कि हम पिक्चर्स क्लिक करवाने आए हैं. ये करेगा मेरी फोटो क्लिक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं कराया. सो यार दैट्स द रीज़न. और तुम ये बॉटल से, न्यू बॉटल से पानी क्यों पी रहे हैं? जूठा तो बिल्कुल मत करियो. अच्छी हमें को धोनी पड़ेगी ये बॉटल, सर्फ के पानी से धोनी पड़ेगी. ओह शिट. ये मैं धोऊंगी सर्फ के पानी से, फिर जाके इससे पानी पीऊंगी. इसमें डिटॉल से धोऊंगी, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस चला गया है. कोरोना भी, कोरोना से भी खतरनाक वायरस, स्टेज फोर कोरोना की चली गई है इसमें. इसे जूठा कर लिया, नॉनसेंस आदमी. सो पीपल ये हमारा A1 ब्लॉग है, मैं सुबह दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ. अगर कोई न्यू एडमिशन स्टूडेंट होगा वो मेरी ब्लॉग दिख रहा होगा तो या हाँ एडमिशन मत लें. ये बस ऐसे दिखने में सुंदर है, अंदर से बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार है. मत लें यहाँ पे एडमिशन बिल्कुल भी. मैं भी करूँगा शो ऑफ कल लाकर मैकबुक अपना. तो गाइस अब हम A1 के अंदर हैं, वैसे आने का कोई रीज़न नहीं है, हम AC की हवा खाने आए हैं. बॉय सो दिस इज द सिनेरियो. हम आए हैं A1 की कैंटीन में खाने के लिए, और मैंने ऑर्डर कराया समोसा. ये नितिन का ये है, बट दिस इज़ ओनली रिजर्व फॉर पेरेंट्स. जैसे कि मैंने कल, मतलब कल जब मैं आया था तो मैंने तब भी दिखाया था, बट स्टिल एक्सक्यूज मेरा नेल टूट गया था, अभी एक्सटेंशन है तो एनीवेज बाय. समोसा खाने के बाद हम जा रहे हैं घर वापस, और आज हम फॉर अ चेंज Gate 5 से जा रहे हैं. 5 ही है ना ये, बीच का गेट है, गेट नंबर 1 और 2. गेट नंबर 1 और 2 के बीच का क्या हो सकता है, बीच का 1.5 गेट 1.5 से जा रहे हैं. अभी बाहर
एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोज वगैरह खड़े ही रहते हैं।